दोस्तों बात कर रहे तो पबजी मोबाइल का इंतजार सब लोग कर रहे हो, सब लोग उसकी डेट के बारे में पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली कब होगा। और शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं, पूरे इंडिया में से किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्ट डेट क्या है। जी हाँ, यानी कि काफी सारे लोगों से हमने डेट सुनी थी 20 नवंबर को आ जाएगा, लेकिन उस दिन भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो आखिर पीछे की कहानी क्या चल रही है, एक बार थोड़ा क्रोनोलॉजी देखते हैं और समझते हैं कहानी क्या है। तो वेल, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात समझते हैं कि 2 सितंबर 2020 को ये जो पबजी मोबाइल था उसे बैन किया गया था। और उसके बाद देखा तो पबजी मोबाइल के कुछ सर्वर्स इंडिया में एक्टिव थे और जिन लोगों ने ऑलरेडी पबजी मोबाइल को डाउनलोड कर रखा था वो लोग उसे खेल पा रहे थे। लेकिन बात की जाए तो जो प्ले स्टोर था वहां से उसे रिमूव कर दिया गया था। और उसके बाद देखा जाए तो 30th अक्टूबर को जो पबजी मोबाइल इंडिया के सर्वर्स थे उनको बैन कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि कोरियन वर्जन का जो पबजी होता है ना उसे एक्सेस कर पा रहे थे और उसे खेल पा रहे थे। लेकिन फिर नवंबर के शुरुआत में ही हमें खबरें सुनने को मिलती कि पबजी मोबाइल इंडिया वापस आने वाला है। और तकरीबन अगर हम बात करें 7 या 8 नवंबर को, तभी एक हमें खबर आती है कि पबजी मोबाइल एक ट्रेलर शूट कर रहा है जो कि दिवाली के अराउंड रिलीज हो सकता है। काफी सारी चीजें सही भी साबित होती हैं। 12 नवंबर को हमें ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट देखने को मिलता है पबजी मोबाइल इंडिया की तरफ से और यह पता चलता है कि पबजी मोबाइल आने वाला है। यहां तक कि pubgmobile.in के लिए जो स्पेशल ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना वो भी लाइव हो जाती है और वहां पर भी जो कमिंग सून वाला पेज है वो आपको देखने को मिलता है। ये बातें समझ में आती हैं। और उसके बाद 14 तारीख को एक स्पेशल टीजर रिलीज होता है जिसमें आपके काफी सारे जो फेमस पबजी प्लेयर्स हैं ना वो सारे फीचर होते हैं और दिखाया गया कि बोर हो रहे हैं, पैन को देख रहे हैं और वो एक्साइटमेंट नहीं है जिंदगी में और एक कमिंग सून आता है। लेकिन उसके बाद कहानी आती है, टीजर तो निकाल दिया, उसके बाद ट्रेलर का क्या हुआ? तो देखा तो इसमें बीच में आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिलती है जिसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं और पूछते हैं कि पबजी मोबाइल के ऊपर जो बैन था उसका सीन क्या है। और वहां से गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि जो पबजी मोबाइल जो उन्होंने पहला वाला बैन किया था ना वो बैन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात की जाए तो आपको एक नया पबजी मोबाइल देखने को मिलेगा, पबजी मोबाइल इंडिया, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट गेम होगा और उसके अंदर आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका अपने पिछले वीडियो के अंदर। लेकिन ये बात आ जाती है कि अभी तक जो डेट हम सुन रहे थे 20 नवंबर उस दिन क्यों देखने को नहीं मिला। अब इसके पीछे का रीजन शायद यही है कि जो पबजी मोबाइल वाले हैं यानी क्राफ्टन इंक जो है वो एग्जैक्टली पूछने की कोशिश करिए, गवर्नमेंट से सारे रूल्स क्लियर कर लेना चाहती है ताकि एक बार अगर आ जाए तो अच्छे तरीके से आ जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक बार आ गया और उसके बाद दोबारा से उसके ऊपर बैन लगा दिया किसी भी कारणवश तो ये चीज अलग हो जाती है। तो ये सारे जो कंफ्यूजन होता है ना गवर्नमेंट के साथ क्लियर कर देना चाहते हैं और उसके बाद अच्छे तरीके से आना चाहते हैं। खैर, इसके बाद कुछ और भी इन्फॉर्मेशन पता चली। एक इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे ये पता चली है जो कि मेरे को जी न्यूज़ की वेबसाइट से पता चली थी, वो ये थी कि यहाँ पे जब पबजी मोबाइल इंडिया में जब दोबारा से आएगा ना तो यहाँ पे एक स्पेशल कॉन्टेस्ट रखा जाएगा यानी कि टूर्नामेंट होगा और उस टूर्नामेंट के अंदर जो पूल प्राइज होगा ना वो 6 करोड़ रुपीज़ होगा। ये एक इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो एक और खास इन्फॉर्मेशन ये भी पता चली है कि पबजी मोबाइल इंडिया का जो डाउनलोड साइज होगा ना वो 1 GB से कम होगा और एक्सपेक्टेड डाउनलोड साइज बताया गया 610 MB। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हमने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद से ऐसा होने वाला है कि जो पबजी लाइट है वही पबजी मोबाइल इंडिया, मतलब इस टाइप की चीजें हो सकती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि पबजी मोबाइल इंडिया जब रिलीज होगा तो पबजी लाइट जैसा ही होगा और उसके अंदर शायद आपको ऑप्शन दिया जाएगा इंटरनली कुछ अपग्रेड वगैरह करने का जिससे आप ग्राफिक्स वगैरह को और ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल पबजी मोबाइल इंडिया ना वही शायद जो पबजी लाइट होता है वैसे ही काम करे। तो कुछ आप इसे इस तरीके समझ सकते हैं। हालांकि जो गेम होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, उसमें काफी सारे और भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये एक बात पता चली। और इसके साथ ही जो पबजी मोबाइल इंडिया की जो वेबसाइट थी वहां पे हमें एक और इन्फॉर्मेशन पता चलती है, वो ये है कि वहां पे आपको जो गूगल प्ले स्टोर का जो लोगो है वो देखने को मिला था और जो APK डाउनलोड का जो लिंक था वो भी देखने को मिला था। लेकिन जो लिंक्स थे वो ब्रोकन थे और आपको यहाँ पे कोई ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि एग्जैक्टली कहाँ होगा। तो शायद ये चीज गलती से लॉगिन हो गई हो या फिर गलती से इसका एक्टिवेशन हो गया, लेकिन काफी सारे यूजर्स ने इस चीज को रिपोर्ट किया था, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो अब बात आती है फाइनल क्वेश्चन पे, आखिर अब आपको कब देखने को मिलेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है ना वो ये है कि पबजी मोबाइल पूरी तरीके से तैयार है, बस वो किसी सही समय का वेट कर रहे हैं। और रिसेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसी समय, मतलब थोड़ी देर पहले भी खबर निकल के आई है कि कहीं से, मतलब एक रूमर है कि 24th यानी कि कल आपको शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल सकती है। इसके बारे में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है इसके बारे में कन्फर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। और एक बात ये भी है कि जो पबजी मोबाइल ने जो ट्रेलर शूट किया था ना वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि आपको जैसे ही जो ट्रेलर है वो खत्म होगा उसी के बाद ही आपको जो पबजी मोबाइल है ना वो लाइव होता हुआ देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि ट्रेलर आएगा उसके बाद आपको शायद कुछ दिन वेट करना पड़े,
शायद कुछ इस टाइप की चीजें होंगी। जैसे ही ट्रेलर आ गया वैसे ही आपको जो पबजी मोबाइल है ना वैसे ही वो लाइव होते हुए देखने को मिल जाएगा। और अगर ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली खबर आई है अगर वो सही है तो हो सकता है शायद हमें ये बात भी पता चल जाए कि उस दिन वो लोग डेट को रिवील कर दें, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अभी भी पूरे इंडिया में किसी को ढंग से नहीं पता कि एग्जैक्टली पबजी मोबाइल कब आएगा। शायद से पबजी कॉरपोरेशन को भी अभी ढंग से कन्फर्म नहीं है कि उसे वो उन्हें किस दिन रिलीज करना है, क्योंकि उन्हें भी शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि सारी चीज़ें तैयार है, ट्रेलर गेम्स वगैरह सारी चीज़ें तैयार है, बस उसे लाइव करने की दिक्कत है। मतलब उसे लाइव करने का इंतजार रहना सब लोग कर रहे हैं। खैर देखते हैं कहानी क्या रहती है। वैसे देखने वाली बात होगी एग्जैक्टली और कैसा होगा, गेम के सर्वर कैसे होंगे, गेम में और क्या क्या चेंजेस होंगे। जब ये आएगा ना तभी हमें सारी बातें पता चलेंगी। तो वेल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी जहाँ जहाँ से निकाल सकता था वहाँ से निकाल के आप लोगों को बताइए। देखते आने वाले समय पबजी मोबाइल क्या रहता है, आप लोग बताइए अपना ओपिनियन कि आप लोगों को क्या लगता है कब देखने को मिल सकता है, और आप लोग उसे खेलोगे क्या या फिर परमानेंटली स्विच कर चुके हो कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर के ऊपर। ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।